अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं चारिक मोहित और आप लोग देख रहे हैं डब्ल्यू प्रसाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाउ टू मेक अ सीवी इन वर्डप्रेस इन 2022। दोस्तों, हम अपने पोर्टफोलियो, अपना जो बैकग्राउंड, हम सीवी ऑनलाइन कैसे, डिजिटल सीवी कैसे बना सकते हैं, और किसी को ऐसा अपने सीवी किसी को ऑनलाइन परचेज कर किसी को ऐसा ऑनलाइन अपना लिंक शेयर कर देना, भाई ये मेरे सीवी है, ये मेरे पोर्टफोलियो, आप यहाँ पे मेरी चीजें देख सकते हैं। रहता ये कि आप कोई फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल बनाए वो उसको दें, वहाँ पीडीएफ फाइल भी ला सकते हैं आप, जहाँ भी अपनी वेबसाइट बना रहे हैं किसी फ्री लिंक में, या कोई भी डोमेन खरीद लें अपने नाम से, जो सस्ता डोमेन हो, $1-2 का, charikmohit.me, इस तरह कुछ करके कि आप उस पर अपना पोर्टफोलियो सेट कर सकें। ठीक है, आज हम ये वाली थीम देखने वाले, ईवीओ सीवी रिज्यूमे वर्डप्रेस थीम। ठीक है, और ये हम यहाँ पे बड़ी अच्छी थीम जो मुझे लगी है, इसके अंदर खास बात है, इसका डेमो मैंने देखा, अच्छा लगा, तो आज हम इस थीम का रिव्यू करने वाले हैं, इसको पूरा प्रॉपर पूरा इंस्टॉल करने वाले हैं, पूरा इसको सेट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आगे कैसे काम करेगा और क्या इसके फायदे हैं। तो सबसे पहले अपने सी पैनल में आएंगे, हमने यहाँ पे वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयर कॉलेज पे क्लिक किया। ठीक है जी, अब सॉरी, मैंने कहा भाई मुझे सब डोमेन बनाना अपना। ठीक है, सब डोमेन मैंने क्लिक किया, सब डोमेन का आया सीवी, सही है, क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, इसको यहाँ पे सेट कर दिया ताकि वहाँ पर जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करें तो हमारे पास ये सब डोमेन आ रहा हो वहाँ पे। मैंने ये क्रिएट किया और ये सब डोमेन हमारा क्रिएट हो रहा है भाई। टेक्स टाइम, ये हमारा डोमेन क्रिएट हो गया, मैं गया वेरीफाई। ठीक है, मैंने इसको सेट किया, प्रोग्रेस थोड़ी देर में, इसका एसएसएल भी लग जाना चाहिए, इस पर पेंडिंग में अभी है। तो मैं गया सबसे पहले सॉफ्टवेयर कॉलेज पे, यहाँ मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा अपने सब डोमेन पे, सबसे पहले काम जो हमें करना है, तो इंस्टॉल पे क्लिक किया। ठीक है जी, मेरे भाई सब डोमेन आ रहा है, मैंने सब डोमेन पे सेलेक्ट कर लिया, और मैं कोई इसके अलावा कोई डायरेक्टरी नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्टरी में काम इंस्टॉल होगा ये। ठीक है जी, मैंने पासवर्ड फिलहाल अभी ये रखा है, ठीक, और इसको मैं चेंज कर दूंगा। यूजर नेम, ठीक है जी, हमने यूजर नेम चेंज कर लिया, माई रिज्यूम सीवी, मैंने यहाँ पे सही है सारी चीज़ें सेट कर दी, और अपनी यहाँ पे ईमेल डाल दी मैंने। ठीक है जी, ये मैंने अपनी ईमेल डाल दी यहाँ पे, सही, और लिमिट लॉगिन्स मैंने हटा दिए यहाँ से। इसी तरीके से अब मैं इसको क्विक इंस्टॉल पे क्लिक कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल डाली, सही, सारी चीज़ें हो गई मेरी, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक किया। यहाँ पर सेटअप इंस्टॉल हो रहा है पूरा, ये एडमिन का सेटअप है दोस्तों, इंस्टॉल हो गया है, और मैं इसको फ्रंट से देखता हूँ, यहाँ पर HTTPS नहीं है इसलिए ऐसे दिखा रहा है, थोड़ी देर में वो भी लग जाएगा इंशाल्लाह। इसको हम बैक करते हैं, ये बैक किया मैंने यहाँ से, अब यहाँ पे हम वो इंस्टॉल करेंगे अपना SSL, देखते हैं पेंडिंग में क्यों आ रहा है, या उसको कुछ और मजीद काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये थोड़ी देर में खुद ही सेट हो जाएगा, वैलिड फॉर 1 ईयर, ठीक, ये लिखा हुआ आ रहा है पेंडिंग। अब मैं अपनी यहाँ पे थीम इंस्टॉल करूँगा जिसका नाम है ईवीओ, सॉरी, मुझे थीम्स पे जाना है, मैंने थीम्स पे गया और एड न्यू करा जाके।
अब मैं यहाँ पे अपनी थीम को रोट, ये मेरी थीम है भाई, यहाँ से इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लूँगा, या आप चूज नाउ पे क्लिक करके फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हमारी थीम इंस्टॉल हो गई, इसको हम एक्टिवेट करते हैं। अब हमने थीम इंस्टॉल करी, इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, और ये थीम हमारी एक्टिवेट हो गई है। ठीक है जी, ये कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने को बोल रहा है, इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके रिक्वायर्ड प्लगइन है थीम की, वो कह रहे हैं इंस्टॉल कर लो। ठीक है भाई, तीन प्लगइन थोड़े थोड़े करके इंस्टॉल करें ताकि टाइम आउट ना हो। सही, ये इंस्टॉल कर लिए हमने इसके प्लगइन्स। ठीक है जी, एक रह गया, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सही, इनको प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है जी, प्लगइन एक्टिवेट हो गया हमारे पास, चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से। प्लगइन ठीक है जी, एक्टिवेट हो रहे हैं सारे। सही, ये इंस्टॉल भी हो गया है और एक्टिवेट भी हो गया है। अब देखते हैं हमारा डेमो कहाँ से इंस्टॉल होगा। डेमो ठीक, शो अदर एक्सटेंशंस, अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। डेमो अगर वहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल होने के लिए, थीम की सेटिंग्स हैं, हम यहाँ पे गए, क्लिक किया रहे हमने इसके ऊपर, थीम का फ्रेमवर्क है, हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया और लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, ये वो से ये हमारे पास, ठीक है, ये डमी कंटेंट आ गया हमारे पास इंस्टॉल करने के लिए। हमें अभी हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा डेमो आपको इंस्टॉल करना है। इसमें चार डेमो दिए हैं, तो हम देख लेते हैं मेन डेमो, मल्टी डेमो, हमें कौन सा वाला करना है इसमें। सही है, यहाँ पे चार आ रहे हैं ना, मिनिमल है, मल्टीपल देखते हैं, मल्टीपल वाले में क्या था, इसका थीम का डेमो में देखते हैं, फिर हम इंस्टॉल करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास पेज लोड हो रहा है, और ये वाले पेज के अंदर हमारे पास रन टाइम के ऊपर एजेक्स पे लोड हो रहा था। हमें मेन वाला डेमो इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, ये अच्छा लग रहा है हमें, इसके लिए पेज लोड नहीं हो रहा इसमें, ये अच्छा है बहुत। तो ये डेमो इंस्टॉल हो रहा है हमारे पास, इंस्टॉलिंग, वी आर करंटली इंस्टॉलिंग योर करंट। ठीक है जी, इंस्टॉल हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ा सा। और ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉल हो गया दोस्तों डेमो, देखते हैं क्या हाल, ज़बरदस्त हो गया ये तो। हाँ बस डेमो इंस्टॉल हो गया भाई, हमारे पास जो डाटा था वो आ गया, डाटा भी संडा भी आ गया है। ये यहाँ पर डाउनलोड डिसेम एक ऑप्शन है, मैं भी इसके से ऑप्शन भी दिखाता हूँ उसके बैकएंड से, कि इसका एडिटर कैसे आ रहा है। यहाँ पे अपनी आप प्राइसिंग डाल दें, पैकेजेस, वेबसाइट पैकेजेस जो होते हैं, टेस्टिमोनियल क्लाइंट्स के, क्लाइंट के लोगों, जिन लोगों के लिए आपने काम किया है लोगों से ये डाल दें, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप, पोर्टफोलियो अपना डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको वो भी दे रहा है, पॉपअप भी दे रहा है, ये फिल्टर आ गया इसका, ब्लॉग भी आप यहीं पर लोड कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन होगा इसका, ये ब्लॉग डिटेल पेज खुल गया। सही, इसी तरह कॉन्टेक्ट पे आ गया मैं। अब इस पेज को हम एडिट करते हैं, होम पेज पे आके ये हमारे पास एक मेन पेज आ रहा है, और इसको मैं एडिट करता हूँ। ये कैशे का प्लगइन ऑलरेडी इसमें डला हुआ है, एक ये इसकी कैशे आ रही है। डब्ल्यू सी टोटल कैशे आई थिंक इसमें डला हुआ है। तो प्लगइन कौन कौन से इंस्टॉल होगा हमारे पास, ठीक
डब्ल्यू डी टोटल कैश इंस्टॉल्ड हो गया इसमें, सही है, इसको अपडेट कर देते हैं हम। पेज को एडिट किया हमने, ये थीम की सेटिंग्स आ रही है बेसिक, ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखता हूँ पीछे एडिटर बिल्डर इसका अपना आ रहा है वो किस तरह शो हो रहा है। ये हमने प्लगइन पे एक्टिवेट कर लिए अपने, अपडेट कर लिए, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ, क्लासिक एडिटर डाल देता हूँ फिलहाल, ताकि यहाँ पर व्यू पुराना वाला आ जाए हमारे पास, मैं मुश्किल ना हो उसको, कंफ्यूज ना हो उसको लेआउट को समझने में। तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, प्लगइन एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर पुराना बिल्डर आ गया, सही है दोस्तों। तो ये हमारे पास बिल्डर आ रहा है पूरा, एलिमेंट्स सारे अपने बिल्डर दिखा रहे हैं, एलिमेंट दिखा रहे हैं। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या करना है हमारे पास, ठीक है भाई। ये सीन जो है हमारे पास, सीन ये हो रहा है यहाँ पे स्टार्ट फ्रंट पेज यानी कि होम पेज, यहाँ पे डाला पे रिज्यूम सीमी, ठीक है, ये दिखा रहा है यहाँ पे। अब इसमें कलर ऑफ द टेक्स्ट लोगो, ठीक है, एड इमेज लोगो। अब मैं फिलहाल यहाँ पे देखता हूँ कि सही है, ये हमें चीज़ें पता चल जाएंगी कौन सा इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, कि बिल्डर यूज होगा या यहाँ से थीम ऑप्शन से ही काम हो जाएगा हमारा। ये देखिए हमारा थीम ऑप्शन से ही काम होगा फिलहाल, कुछ चीज़ें तो यहीं से होंगी। और टेक्स्ट लोगो डब्लू के साथ शारिक मोइस, सही, मैंने इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ मैं, सही है भाई। और यहाँ पे टेम्पलेट्स देख लें कौन से टेम्पलेट्स आ रहे हैं, वी कार्ड का आ रहा है, ये स्टार्ट पेज का आ रहा है, ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का आ रहा है, ठीक है जी। मैं स्टार्ट पेज पे आया, स्टार्ट पेज का आपने शो करा दिया, ये सही, सब कैरोसल और सोशल आइकन्स। मैंने कहा यहाँ से मुझे दे दो भाई फेसबुक, फेसबुक फेसबुक, ये आपने लगाया सोशल लिंक और यहाँ पे ले दिया आपने सोशल आइकन्स फेसबुक, ठीक है जी। फेसबुक कहाँ गया इसमें, फिलहाल मैं पिंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फेसबुक ढूंढने मुश्किल हो रही है मुझे। मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ करके कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन कैसे कहाँ से काम कर रहा है, ठीक है। फिर अपने हिसाब से आप खेलते रहिएगा इसको डाटा के हिसाब से। ये थीम के डिज़ाइन है, सारे कलर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और ऑप्शन ये सारे टाइपोग्राफी फॉन्ट्स के सारे ऑप्शन है, कॉन्टेक्ट फॉर्म ई मेल यहाँ पर आएगी, होस्टिंग ई मेल एड्रेस यहाँ आ जाएगा, गूगल कैप्चा मैप के लिए सारी चीज़ें पहले डली हुई हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा जी ये मेरे पास आ गया डिफॉल्ट टेम्पलेट, सही, और मैं यहाँ पे काम करता हूँ पेजेस में, देखता हूँ कितने पेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सही सही सही, ये पेजेस अलग बने हुए हैं लेकिन वहाँ पे सेट हुए हैं ऐसे, आपको ये स्टेप बाय स्टेप जाके हर पेज को एडिट करके देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आया हूँ, एडिट पेज मैंने इसको करा, तो ये कॉन्टेक्ट का पेज खुलना चाहिए हमारे पास बिल्डर के अंदर या पे एडिटर के अंदर, ठीक है। बिल्डर वहाँ पर आ रहा है, बेहतरीन हो गया, सही है। इसको आप एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से या फिर मजीद एलिमेंट लेके इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं, यहाँ पर ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आपने अकॉर्डियन लेना है, आपने यहाँ पे क्लिक किया अकॉर्डियन ऐड हो गया, इसको ड्रैग करके यहाँ पे सेट कर लिया, सही है। इस तरह ऑप्शंस आ रहे हैं इसके, एलिमेंट्स आपको यूज़ करने, बटन ले लिया आपने, सेव करा, सबमिट का बटन आ रहा है, मैंने सेव किया। आपको एलिमेंट्स लेना बता रहा हूँ, ऑप्शन इसमें आ रहे हैं सारी चीज़ों के, ठीक है ना। आपको एलिमेंट्स लेना, आपको डेमो तो पूरा इंस्टॉल हुआ मिल जाएगा, आपको सिर्फ एडिट करके कंटेंट चेंज करना है, ठीक है जी।
कॉन्टेक्ट आ रहा है, मैं क्या काम करता हूँ, ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका जो वी कार्ड वाला टेम्पलेट था, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। एक मिनट, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है जी, पेज को हमने एडिट किया था। इसी तरह हम यहाँ सर्विसेज के पेज को एडिट करेंगे, रिज्यूम के पेज को एडिट करेंगे। इसको बंद करते हैं। हमने यहाँ वी कार्ड सेलेक्ट करा हुआ है, डिफॉल्ट टेम्पलेट आ रहा है, सब डिफॉल्ट टेम्पलेट आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ डिफॉल्ट टेम्पलेट ही सेलेक्ट कर लिया जो था यहाँ पहले से, इसको भी डिफॉल्ट टेम्पलेट रहने दिया, और हम इसकी सेटिंग्स को नीचे चढ़ते, हम बैक करते हैं। इसको प्राइवेट विंडो में खोलता हूँ, होम पेज पे आया, होम पेज पे मैंने वी कार्ड सेलेक्ट करा, सेव कर लिया। इसको मैंने रिफ्रेश करा, यहाँ पर सही आ गया, वी कार्ड आ गया और उसके टेम्पलेट्स आ रहे हैं प्रॉपर। क्योंकि यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ होम पेज को वी कार्ड पे सेलेक्ट रखना है, और बाकी सारे जो वो हैं आपके यहाँ वी कार्ड के जो पहले जो है स्टार्टिंग, वो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। फिर आप आ जाते हो स्टार्ट पेज, सही है। इसी तरह आपने मेन पे, मेन को छोड़ के जो दूसरे पेजेस हैं इनर पेजेस को आपको वी डिफॉल्ट टेम्पलेट पे सेलेक्ट करना है, सॉरी, हाँ वी कार्ड पे सेलेक्ट करना है आपको, वी कार्ड सेलेक्ट करना है, ठीक। और बाकी सारे रहेंगे ऐसे ही डिफॉल्ट टेम्पलेट पे रहेंगे जैसे आ रहे हैं। एलिमेंट्स आपको चेंज करना है आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या है, सोशल आइकन्स, ठीक है, ये ऐड कराए थे, तो ये यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये पार्ट है रिज्यूमे पार्ट, ये है पहले वाला जो आपको फ्रंट पार्ट है, ठीक है। दूसरा आपका ये कलर्स हैं, ये फॉन्ट है, ये आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म की ईमेल है, मैप है, यहाँ कस्टम सी एस जी एस लिख सकते हैं, ये SEO का पार्ट है, यहाँ गूगल एनालिटिक्स सपोर्ट डाल सकते हैं, पोर्टफोलियो के लिए यहाँ ऑप्शन है भाई, करंट पोर्टफोलियो आपको कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, ऑप्शन नहीं चाहिए, या इनको हाइड करना है, सही है। इसी तरीके से मैं रिज्यूमे पे आ गया, कॉन्टैक्ट पे आ गया, कॉन्टैक्ट मैंने ये ऐड किया था, सबमिट का बटन देखें ये ऐड हुआ हुआ आ रहा है। आपको मज़ीद चेंजेस करनी है वो आप जाके वहाँ पे कर सकते हैं एडिट पेज करके, सही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।